माइक्रोवेव में खाना तो डेली गर्म करते हैं, लेकिन जब बात आती है समोसे या कचौड़ी गर्म करने की तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। माइक्रोवेव में समोसे गर्म करने पर वो क्रिस्पी नहीं रहते, यानी ऊपर की लेयर मुलायम हो जाती है। खाने पर लगता है कि समोसे नहीं आलू पराठे खा रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोवेव में समोसे गर्म करने का सही तरीका। हाय, मैं हूँ वर्षा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं। खाना माइक्रोवेव के माइक्रो मोड पर गर्म करते हैं, लेकिन समोसे ग्रिल मोड पर गर्म किए जाते हैं। कैसे, चलिए आज ये भी जान लेते हैं। प्लेट में 3 ठंडे समोसे और 1 कचौड़ी है। इन्हें लोअर रैक पर अरेंज कर लेंगे। माइक्रोवेव के साथ 2 रैक आते हैं, जो छोटा वाला रैक है उस पर अरेंज करना है। इन्हें ग्रिल कर लेंगे 3 मिनट के लिए। जनरली ग्रिल मोड पर हायर रैक यूज होता है, लेकिन आज नहीं करेंगे। हायर रैक पर गर्म करने पर 2 प्रॉब्लम आ सकती है। पहली, हीटर के पास जाने के कारण समोसे जल सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम है समोसे ऊपर से तो गर्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर मसाला ठंडा रहेगा। 3 मिनट हो चुके हैं, समोसों को पलट देंगे। इस टाइम ये गर्म है, अगर हाथ जलते हैं तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब इन्हें 2 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे। टाइम डिपेंड करता है समोसे की साइज और क्वांटिटी पर। ज्यादा समोसे होंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। गर्म हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी है। कचौड़ी भी काफी खस्ता हो चुकी है। चलिए आवाज सुनकर देखते हैं, ताकि आप अंदाजा लगा पाएं कि कितने क्रिस्पी हैं। तोड़कर देखें तो अंदर से मसाला भी गर्म है। तो इन गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसों को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।